भारत सरकार की सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, मैं मेरे ओर से आप सभी को शुभेच्छा देता हूं इस वर्कशॉप को सफल बनाने में। ये वर्कशॉप की जो माहौल मैं देख रहा हूं, निश्चित रूप में पीएम जनमन कार्यक्रम सफलता प्राप्ति करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, ये जो मेरे को जब मैं पहली बार विधायक बना, मेरे सौभाग्य में ऐसे मानता हूं, मेरे को एक पीवीटीजी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो मेरे सामाजिक राजनीतिक जीवन की प्रारंभिक दिनों में मैं प्रत्यक्ष पीवीटीजी को बड़े नजदीक से दिखने को मेरे को अवसर मिला है, तो मैं उनकी संभावना और चुनौती दोनों को थोड़ा समझता हूं। कैबिनेट में जब इस विषय में चर्चा हुई, बाद में प्रधानमंत्री जी ने उसको एक कार्यक्रम के रूप में पिछले 15 नवंबर में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मदिन के अवसर पे झारखंड की राजधानी रांची में उसको लोकार्पित किए, शुभारंभ किए। मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में एक नई उत्साह भरी कि समाज की वंचित वर्गों की लास्ट माइल रीच आउट की एक सभी का सामूहिक प्रयास है। मेरे विभाग की जिम्मेवारी के बारे में मेरे दो वरिष्ठ अधिकारी मित्रों ने आप लोगों के सामने कुछ विषय रखा, मैं उसको ही समर्थन करते हुए दो तीन विषय नया जोड़ूंगा, लेकिन मैं एक उल्टा प्रोस्पेक्टिव आपके सामने रखता हूं। मुंबई एयरपोर्ट की जो डिजाइनर है, वो एक देश की प्रसिद्ध सांस्कृतिक व्यक्तित्व राजीव सेठी जी हैं। उन्होंने मेरे को अपने स्टूडियो में एक बार बुलाया। अपने स्टूडियो में मेरे को देश की कुछ पीवीटीजी लोगों की कुछ कृति के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने अपना दिक्कत मेरे सामने रखा कि देखो इसमें से दिक्कत क्या हो रहा है, ये देखो मैं सब कर रहा हूं, लेकिन सरकार की जो दुनिया है पीवीटीजी या आदिवासी ट्राइबल्स, ये विभाग के दृष्टि से ट्राइबल अफेयर्स के साथ जुड़ी है। सभी की अपनी अपनी एक कल्चरल दुनिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ उनकी संपर्क है, ये सबकी कुछ कुछ मेडिसिनल प्रैक्टिस है, आयुष की ये सब प्रैक्टिशनर है, इनकी अपनी एक लिंगुआ फ्रैंका है, अपनी एक स्कूलिंग और एक नॉलेज इकोसिस्टम है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रकृति के साथ घुल मिलके दे ऑल आर स्किल, तो स्किल मिनिस्ट्री की संबंध है, ये सब बहुत सा पशुपालक है, एनिमल हस्बेंड्री की संबंध उनके साथ है, इनकी सभी का कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी है, यूनिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, झूम कल्टीवेशन है, और ये सबकी कुछ टेक्सटाइल की अपनी अपनी दुनिया है, ये सभी को मिलाओगे तो एक टूरिज्म पॉइंट बनती है। ये सब वो हमको देते हैं, इसी को देखने के लिए दुनिया उनके वहां पहुंचती भी है, सीखने के लिए पहुंचती है। आज हम बैठे हैं कि इनकी एक 21st सेंचुरी न्यू लिविंग देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जो दो विषय विशेष करके कहा गया, 500 हॉस्टल की कल्पना की गई है। संजय जी अभी आ गए, नितिन जी अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, राज्य की शिक्षा अधिकारी मित्र यहाँ है। मैं एक सुझाव दूंगा आप सभी को, सभी के काउंटर पार्ट डिपार्टमेंट राज्यों के साथ है, राज्यों में भी ट्राइबल अफेयर्स की भी डिपार्टमेंट है। मैं मुंडा जी को और हमारे नए सचिव महोदय को अनुरोध करूंगा, जो भी विभाग जो काम अपने अपने इलाका में करेगा, इस 75 कम्युनिटी के लिए लगभग 26 लाख आबादी है, 26,000 हैबिटेशन है, फंक्शनल हैबिटेशन अभी हम 22,500 को लेंगे, ये सारे के मास्टर प्लान थोड़ा ट्राइबल अफेयर्स की अकॉर्डेंस हो, जानकारी में हो, कोई एक मास्टर डाटा बैंक बने, तो कई सारे चीजों में सरकार की एक टेंडेंसी है,
मेरे को 9.5 साल सरकार में काम करने के बाद मेरे को एक ऑब्जर्वेशन है, सरकार की एक टेंडेंसी है डुप्लीकेशन की, रिपीटेशन की और इंटरनल कॉम्पिटिशन की। इसमें से आप निवृत्त रह के इसको एक टोटल सिंगल मास्टर प्लान बनाओगे, उसकी ट्राइबल अफेयर्स कोऑर्डिनेशन करेगा, ये मेरा सुझाव है। इनकी शिक्षा विभाग में संजय जी आप थोड़ा आपकी राज्य की टोली के साथ बैठ के चिंता करोगे, ये सबकी अलग लिंगुआ फ्रैंका है, सबकी मदर टोंग है, सबकी लोकल लैंग्वेज है। हम कोशिश करें ये 75 PBTG की अगर हम प्राइमर बना दें उस राज्य की भाषा को आधार करते हुए, NCERT उसके साथ में रहेगा, राज्यों की SCERT में कॉम्पिटेंट लोग रहते हैं, दोनों लोग पहल करके संजय जी उसको आप सभी का आने वाले 2-3 साल के अंदर अगर हम प्राइमर बना दें, क्योंकि इस समुदाय की सबसे बड़ा चुनौती रहता है उनकी आत्मविश्वास, वो अपने विषय में कॉम्पिटेंट रहते हैं लेकिन शायद गलती हो जाएगा, लोग मेरे को हंस देंगे, लोग मेरे को मजाक उड़ाएंगे, इसी डर में वो बोलता नहीं है। अगर उसको हम अगर लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी पहुंचाते हैं तब उसकी एक बहुत बड़ा लीपफ्रॉगिंग उसकी हो सकता है। स्कूल डिपार्टमेंट इसके बारे में थोड़ा चिंता करे हॉस्टल के अलावा। ऐसे ही आगे ग्रेजुएट करते करते अगर वो बढ़ते बढ़ते अपवर्ड मोबिलिटी में अगर थोड़ा उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, कुल मिला के इसमें 10 लाख स्टूडेंट होंगे या 10 लाख यूथ होंगे। अगर इसकी पॉपुलेशन 26 लाख है, 1/3 25-30 साल के अंदर लोग होते हैं, तो इन सभी के 25 लाख लोगों को मैपिंग करना भी चुनौती नहीं है और उनमें से 10 लाख एस्पिरेशनल ग्रुप को मैपिंग करना बिल्कुल हम सबके दायित्व। इतना बड़ा कॉम्पिटेंट टोली सभी को कहीं ना कहीं लास्ट माइल रीच आउट तो कर ही लेगा, सभी का एक एस्पिरेशनल प्लानिंग हमको करना चाहिए। ये उसकी FLN से लेके प्राइमर कन्वर्जन से लेके जिसकी जो कैपेसिटी है वहां तक की एजुकेशनल जर्नी में अभी भी कुछ लोग पढ़ते होंगे, उसको कैसे हम लोग मैपिंग एक प्रॉपर वेलनीड रोड मैप बनाएं। सिर्फ हॉस्टल नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन खर्चा उपलब्ध कराना नहीं, ये 10 लाख लोगों की टोटल प्लानिंग कन्वर्जन हम कर सकते हैं, ये मेरे सुझाव रहेगा। स्किल डिपार्टमेंट एक एम्बिशियस प्लान किया है, आपकी 4000 ग्रुप बनेगा, बंधन का ग्रुप बनेगा और इस 4000 लोगों की अपने आप में एक एक स्किल है, सबकी कुछ ना कुछ विशेषता है। उसको अगर सिर्फ हम वैल्यू एडिशन के बारे में थोड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो उनकी इकोनॉमिक जनरेशन में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो सकता है। अभी देश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को सफलता के साथ इंप्लीमेंट कर रहा है, इसी का ये एक मोर डिटेल एक्सटेंशन है। सबकी अलग अलग ट्रेट है, सबकी यूनिकनेस है, लोग उसके लिए हैं। उसमें मैं आपको सुखद करता हूँ, हम लोग तो सोचते हैं लेकिन वो लोग आगे भी सोचते हैं। मुंडा जी के घर जहाँ है उसी राज्य में बंगाल में सांताली भाषा की सबसे बड़ा म्यूजिक स्टूडियो है। म्यूजिक उनकी स्किल में, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट। ऐसे थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स को स्किल डिपार्टमेंट को प्लान करना पड़ेगा, राज्यों के अधिकारियों को उस वहां तक विजुअलाइज करना पड़ेगा। सबके जीवन में संगीत है, सबके जीवन में कुछ यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब ग्रुप में ऐसे ऐसे चरित्र है। हमें इसको सिर्फ एक पानी बिजली सड़क एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन स्कीम की इस धरे से उसको थोड़ा आउट ऑफ वे सोचना पड़ेगा। स्किल और एजुकेशन डिपार्टमेंट इस टर्न अराउंड प्रोग्राम के लिए टोटल कमिटेड है। जैसे प्रधानमंत्री जी की विजन है कि इस 26 लाख लोगों को आजादी की अमृत महोत्सव के उपरांत हमें आने वाले 2-3 साल में, जैसे हमने एस्पिरेशनल जिला को एक कन्वर्जन किया, अभी जैसे एस्पिरेशनल ब्लॉक हम लोगों की एजेंडा में है, वैसे ही ये 75 ग्रुप की 26 लाख आबादी को आने वाले 2-3 साल के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड की ऊपर तक ले आने का हमारी दायित्व है।
मुंडा जी इस कार्यक्रम को बखूबी संभाल रहे, उसको और बढ़िया करेंगे। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को धन्यवाद। बहुत आभार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का उनकी उपस्थिति के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके संबोधन के लिए। अगली जो प्रेजेंटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ